शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। बाप ने बेटे से पूछा, सरकारी स्कूल के मास्टर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेटा बोला, GST। बाप गुस्से में, क्या बकवास करता है ये? बेटा, पापा यही सच है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल टीचर। डॉक्टर रोगी से, बहुत कमजोरी है, फल खाया करो छिलके सहित। एक घंटे बाद रोगी, डॉक्टर साहेब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या खाया था? रोगी, नारियल छिलके सहित। नो। टीचर, बेटा कबूतर पर एक वाक्य बनाओ। स्टूडेंट, शाम को पी हुई दारू साली कब तक उतर जाती है पता ही नहीं चलता। टीचर, अभी तक बेहोश है। पहला बच्चा, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से जा टकराया। दूसरा बच्चा, क्या बात कर रहा है, फिर क्या हुआ? पहला बच्चा, फिर क्या, मेरी पिटाई हुई। दूसरा बच्चा, किसने मारा? पहला बच्चा, सूरज की मम्मी ने। पत्नी रोमांटिक होकर पति से कहती है, पत्नी हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, इतने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पति, समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को नहीं। फिर हुई जोरदार कुटाई। शीला, सर आज कुछ नया पढ़ाइए। टीचर, बच्चों हर बात के दो मतलब निकलते हैं। शीला, निकाल के दिखाइए सर। टीचर, बैठ जा बेटी, तेरी इस बात के भी दो मतलब निकलते हैं। समझ रहे हो? दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए।